तो बिरलो कैसे हो? क्या तुम्हें ये विश्वास होगा अगर मैं बोलूं कि एक शो जिसका मांगा 2012 में आया और आते ही उसने सभी का दिमाग फोड़ दिया अपनी स्टोरी से और उसके ठीक जस्ट 2 साल बाद अपना एनिमे रिलीज़ किया और उस एनिमे ने लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी बवाल काम करके दिखाया। देखो एनिमेस को तो लोग बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बट यूजुअली सभी लोग उनको 2 ही एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। अच्छे एनिमे वही होता है जिसके एपिसोड 1 में ही तुम हुक्ड हो जाओ, मतलब तुम बिल्कुल कनेक्टेड फील करने लगो, और बुरा एनिमे वही होता है कि जो एपिसोड 5 तक भी तुम्हें उस एनिमे से कोई उतना लगाव नहीं हुआ है। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, इस एनिमे का मांगा ने सभी का दिमाग फोड़ के रखा था अपनी स्टोरी से, बट जब एनिमे रिलीज हुआ एपिसोड 1 से ही सभी हुक्ड हो गए थे और सीजन के एंड होते होते तक बहुत बवाल। बट सीजन 1 उतने बवाल होने के बाद सीजन 2 में बहुत ज्यादा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिला और सभी का होप बिल्कुल टूट गया। अगर तुम नहीं समझ पा रहे कि मैं कौन से एनिमे की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस एनिमे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम तुमने हर एक बंदे की जुबान पे सुना होगा जो एनिमे देखता है या फिर जिसने जस्ट देखना शुरू किया है, उसको भी इस एनिमे का कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन जरूर मिला होगा। पहले का कुछ पार्ट सुनकर तुम्हें ये लग रहा होगा ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अपनी स्टोरी को लेकर फेमस है, बट नहीं, ये एनिमे सबसे फेमस है अपनी डाउनफॉल को लेकर, कि कैसे खुद ही का प्रोडक्शन स्टूडियो ने एक शो को इतना ज्यादा घटिया बना दिया। स्वागत है तुम लोगों के नई वीडियो में और इस एनिमे का नाम है टोक्यो गुल, और आज के इस वीडियो में तुम लोग ये जाननी जानोगे कि टोक्यो गुल क्यों इतना फेमस है अपनी डाउनफॉल को लेके। टोक्यो गुल लाइक हर एक एनिमे गाय से तुमने ये वर्ड एक बार सुना ही होगा। इतना ज्यादा नाम कमाने के बाद भी तुम देखोगे कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी एनिमे गाय तुमको ये एनिमे सजेस्ट नहीं करता या फिर रिकमेंडेशन देते हुए नहीं देखेगा। मैक्स टू मैक्स तुम्हें यही बोलेगा कि टोक्यो गुल का तुम सीजन 1 देख सकते हो, बट आफ्टर दैट मत देखो। 2014 में जब ये एनिमे आया था, इसका फर्स्ट एपिसोड इतना बढ़िया था, लोगों के दिल में बस गया था, और इवन अगर आज के डेट में भी तुम ये एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखोगे तुम्हें बिल्कुल भी आउटडेटेड फील नहीं होगा। लाइक एनिमेशन क्वालिटी में या फिर फर्स्ट एपिसोड इंप्रेशन जो चीज होता है उस चीज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा। लाइक बहुत सुंदर से बिल्डअप किया है। बट पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत है इस एनिमे का स्टूडियो। स्टूडियो का नाम है स्टूडियो पियरआउट। स्टूडियो पियरआउट ने नारुतो, ब्लीच, बोरुतो, यहां तक कि ब्लैक क्लोवर जैसे भी एनिमे को एनिमेट किया है, तो फिर इतना हेट इसी इंडिविजुअल एनिमे को क्यों मिलता है? इसका तुम्हें रीजन पहले ही पता चल जाएगा अगर तुम मांगा और एनिमे दोनों को कंपेयर करो तो। देखो पूरे टोक्यो गुल मांगा में 143 टोटल चैप्टर्स हैं और 14 वॉल्यूम, और हर एक वॉल्यूम में 9 से 10 तक लेके चैप्टर्स हैं या फिर उससे भी थोड़े ज्यादा। बट अगर एनिमे में देखा जाए तो सीजन 1 और सीजन 2 को मिला के टोटल 24 एपिसोड्स हैं, तो इसका मतलब समझ गए तो। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे चीजों को कंप्रेस करके बहुत जल्दी छोटे एपिसोड्स में डालने की कोशिश की गई है। लाइक मोस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स कट हो चुके हैं। मेन इवेंट्स तो छोड़ो, ऐसे ऐसे इवेंट्स भी कट हो चुके हैं जो एक एनिमे को इनिशियल स्टेज में बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि स्टूडियो पियरआउट ने नारुतो, ब्लीच, बोरुतो या फिर ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमे भी काम किया है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। इन सारे एनिमेस का बस फाइटिंग सीन ही स्टूडियो पियरआउट ने बनाया है और कुछ नहीं। लाइक फाइटिंग सीन्स को बनाने में ये स्टूडियो अपना पूरा जान लगा देता है और बेस्ट फाइटिंग सीन्स क्रिएट करता है, बट जैसे ही बात आती है एनिमे एडेप्टेशन की, ये स्टूडियो जो ही हकता है। टोक्यो गुल उसका एग्जाम्पल है। अब सीजन 1 जैसे कि मैंने तुम्हें बोला इस पूरे शो का सबसे बेस्ट सीजन है, बट दिक्कत स्टार्ट तभी से हुई जब सीजन 2 आया जिसका नाम है टोक्यो गुल √A। एनिमे को जल्दी लाने के चक्कर में स्टूडियो ने बहुत ही ज्यादा क्रेजी क्रेजी मांगा से जो फाइट्स हैं वो सारे मिस कर दिए, इवन कैनन इवेंट्स तक मिस हो चुके थे, जिसका एग्जांपल है आमोन और केनाकी का फाइट जो कि कभी एनिमे में हुआ ही नहीं और लोग देखने को तरस गए। और भी बड़े बड़े इवेंट्स थे जैसे कि डॉक्टर कानाओ जिसको कभी एनिमे में दिखाया नहीं गया, वही डॉक्टर था जिसने केनाकी का और रीजे का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था, और एंड में जब केनाकी उनको कन्फ्रंट करता है और सारे सवाल पूछता है, रीजे का 0 इन्फॉर्मेशन देने से शुरू करके तक स्टोरी को खुद के अकॉर्डिंग ही चेंज करना, ये सब स्टूडियो पियरआउट ने किया है। स्टोरी का चेंज होना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीजन 1 के बाद दिखाया जाता है कि केनकी आओगिरी ज्वाइन करता है सीजन 2 में, बट पता है ट्विस्ट क्या है, केनकी कभी आओगिरी ज्वाइन ही नहीं करता, वो अपना खुद का स्क्वाड बनाता है, बट ये सीन एनिमे में कहीं है ही नहीं। अब इतना सब कुछ जब हो ही चुका था, लोग इतने डिसअपॉइंट हो ही चुके थे, स्टूडियो पियरआउट ने क्या किया, लोगों का जो छोटा सा भी होप था वो बिल्कुल खत्म कर दिया सीजन 2 के एंड में हीडे का डेथ सीन दिखा के। हीडे जो कि केनकी का बहुत ही अच्छा दोस्त था सीजन 1 के एपिसोड 1 से ही है वो, उसका डेथ सीन उन्होंने एनिमे में दिखाया जो कि मांगा में कभी था ही नहीं। लाइक लिटरली तुम उस बंदे को मार रहे हो जो कभी मांगा में मरा ही नहीं। लाइक तुम समझ ही सकते हो जिसने मांगा पढ़ के एनिमे देख रहा होगा वो कितना ज्यादा कंफ्यूज हो गया होगा कि कर क्या रहा है ये स्टूडियो, और उधर
उधर से ही स्टोरी का प्लॉट बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल ट्विस्ट होगा कि, तो ऑब्वियस ही बात है स्टोरी उधर से एक डिफरेंट टर्न लेना स्टार्ट करेगी। एंड दिस वाज द मोस्ट शिटी मूव जो स्टूडियो पीरियड ने लिया था स्टोरी को पहले कंटिन्यू करने के लिए। स्टूडियो को अपने हिसाब से कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं करना चाहिए था, बट इसका एक रीजन भी है जो कि मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स में पढ़ के मैंने जाना। मुझे नहीं पता ये कितना ट्रू है या फिर कितना गलत। वेबसाइट में ये लिखा था कि सुई आशीडा जो कि टोक्यो गुल के मेन राइटर है, वो सीजन 2 को उस टाइम तक कंप्लीट नहीं कर पाया था जब तक सीजन 2 ऑलरेडी आना चालू हो चुका था स्टूडियो पीरियड के साइड से। बट स्टूडियो पीरियड क्या करना चाहते थे, वो स्टोरी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे, लाइक जो शो है सीजन 2 है उसको बहुत ही जल्दी उसका एक एंडिंग देना चाहते थे। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से ही स्टोरीज को बिल्डअप करना और अपना मूव लेना शुरू कर दिया था, और ऐसे करते करते एंड में हीडेगो उनको मारना ही पड़ा, जिसका बहुत ही गंदा इंपैक्ट पड़ गया मांगा पे, क्योंकि मांगा में उस टाइम तक हीडे का जो एंडिंग था या फिर सीजन 2 का जो एंडिंग था वो क्रिएट ही नहीं हुआ। और सीजन 2 के इस चेंज के वजह से सीजन 3 बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट शिटीएस्ट सीजन एवर इन एनिमे हिस्ट्री। लाइक उससे गंदा सीजन कभी बन ही नहीं सकता किसी एनिमे का, अपनी प्रीवियस स्टोरी से बिल्कुल जीरो मैच और कुछ नहीं। लाइक टोक्यो घूल का जो पूरा स्टोरी था वो सीजन 1 को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो घूल का जो पूरा लाइफस्टाइल या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इंट्रोडक्शन में दिया जाए। लाइक वो सीजन 1 इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर गूल्स। बट स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते चीजें और खराब होने लगी, मतलब पहले की जो गलतियां हैं उसको सही करने के लिए और भी ज्यादा घटिया चीज आने लगी। सीजन 1 जो इस शो का जॉनर मेंटेन कर रहा था डार्क और थ्रिलिंग, भाई वो दिखता है सीजन 1 में, वो धीरे धीरे पूरी बिखरने लगती है आगे के आने वाले सीजन में। और इस डार्कनेस और इस साइकोलॉजिकली थ्रिलिंग नेचर को कंटिन्यू करने के लिए स्टूडियो पीरियड ने क्या किया, बेफालतू के मॉन्स्टर्स, बेफालतू के ड्रैगन या फिर ओवर हाइपर एक्टिव कागू ने दिखाने शुरू कर दिया। कागू ने बेसिकली घूल्स का एक काइंड ऑफ पावर बोल सकते हो। तो वो एंड आते जाते बिल्कुल भाई इतना घटिया घटिया चीज दिखाने लगता था, लाइक तुम ये देखो ये क्या है, ये थोड़ी कहां से कहां चली गई थी। जिस लड़की के वजह से सब कुछ शुरू हुआ, जिस लड़की ने अपने मेन प्रोटैगोनिस्ट केन केनेकी को घूल में तब्दील किया, वो कैसी मरी, उसका पहले का स्टोरी क्या था, उसका पास्ट क्या था, उसके लोगों के साथ कनेक्शन क्या था, विलेंस के साथ कनेक्शन क्या था, कुछ नहीं, जीरो नॉलेज। तो तुम समझ ही सकते हो उस गलती को अगर स्टूडियो पीरियड ने नहीं किया होता, खुद से एफर्ट लगा के अपने स्टोरी खुद से कस्टमाइज ना किया होता, तो आज टोक्यो घूल कोई और ही मोड़ लिया होता। लाइक लोगों के दिल में सीजन 1 को लेके जितना प्यार है उतना पूरा शो को लेके प्यार लोगों के दिल में बरकरार होता और टोक्यो गुल शायद एक अच्छा लविंग एनिमे ही रहता। बेसिकली टोक्यो गुल जो ये शो एनिमेट होके आया है इसको अगर तुम पूरा पूरा देखने जाओ तो ये एक काइंड ऑफ समरी है इसके मांगा को लेके। लाइक तुम देख सकते हो शो इतना ज्यादा घटिया बन चुका था कि स्टोरी जानने के लिए शो को छोड़ के मांगा पढ़ना पड़ रहा है। तो यही था टोक्यो गुल की सारी स्टोरी, द मोस्ट लव से लेके द मोस्ट हेटेड में ये एनिमे कैसे कन्वर्ट हुआ, ये पूरी स्टोरी थी इस एनिमे का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एनिमे को टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।